आपको पता है कि सेवन अप के कोल्ड ड्रिंक में सेवन अप का मतलब क्या होता है? पोटैटो चिप्स में ये लाइन क्यों होती है? एक ऐसा पत्ता जो 40 केजी तक का वेट को उठा सकता है पानी में। और जापान के एक आइलैंड में हिरन क्यों देते हैं बंदरों को लिफ्ट? ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। नंबर 5, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जापान के आइलैंड में हिरन अपने पीठ के ऊपर बैठा के बंदरों को लिफ्ट देती है। ये बात जापान की याकुशिना आइलैंड की है, जहाँ पर जो बंदर है वो हिरन को इस्तेमाल करते हैं लिफ्ट के लिए, और बदले में बंदर हिरन के बाल को साफ कर देते हैं और समय समय पर उन्हें खाना देते हुए भी दिखाई देते हैं। नंबर 4, आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि सांड लाल कपड़े को देख के गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता था कि सांड को गुस्सा लाल कपड़े को देख कर नहीं बल्कि हिलाते हुए कपड़े को देख कर गुस्सा आता है, क्योंकि सांड कलर ब्लाइंड होते हैं, वो लाल कलर को देख नहीं सकते। नंबर 3, क्या आपको पता है कि ये जो आप अपने स्क्रीन पर पत्ता को देख रहे हैं वो इस दुनिया का सबसे बड़ा पत्ता है, जो इतना मजबूत है कि जिस पे 40 केजी तक का आदमी आराम से बैठ सकता है, और ये पत्ता बस 2 दिन के लिए ही खिला रहता है, जो 2 मीटर तक चौड़ा होता है, और इसका नाम विक्टोरिया वाटर लिली है। नंबर 2, आपने अक्सर देखा होगा कि जो पोटैटो चिप्स होते हैं उनके ऊपर कुछ इस तरीके का लाइन होता है, पर ये लाइन क्यों होता है? ये लाइन पोटैटो चिप्स को बहुत ज्यादा क्रंची बनाता है, और जब हम लोग इन चिप्स को तोड़ते हैं तो इन्हीं लाइन्स में से पोटैटो चिप्स टूटते हैं, जिससे आप अच्छे से बाइट ले सकते हैं, और लोगों को क्रंची चिप्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, और इसी चीज के साथ इनमें मसाले अच्छे से रहते हैं, और अगर पोटैटो चिप्स प्लेन होंगे तो मसाला चिप्स पर से स्लिप होकर पैकेट के नीचे चला नहीं जाएगा। और आपने देखा होगा कि नॉर्मल पोटैटो चिप्स प्लेन होते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें सिर्फ नमक होते हैं, और इसीलिए नॉर्मल चिप्स पर ये लाइन बनाना नहीं पड़ता है। नंबर 1, क्या आपको पता है कि जो आप 7-Up के कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं उसमें रहने वाला 7-Up का मतलब क्या है? अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये नाम है तो आप गलत हो। जो आप 7-Up के नाम को सुनते हो उसको ऐसे ही नहीं रखा गया, उसके पीछे भी एक रीजन है। असल में 7-Up का आविष्कार 1929 में हुआ था, और 7-Up में रहने वाला 7-Up का मतलब इस ड्रिंक को 7 चीजों से बनाया गया, पर अप का मतलब वो ड्रिंक जो किसी ग्लास में डालने से उस ड्रिंक का बबल्स हमेशा ऊपर की तरफ उठ रहे होने के कारण अप रखा गया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।